आपने जो पैसे जमा किए वो है 1 रुपया और 1 रुपया। तो ये मुकाबला टाई हो गया है हैदर और ताहा के दरमियान। नजफ, आप तो कंपटीशन में बिल्कुल आगे नहीं जा सकेंगे क्योंकि आपने 1 कॉइन भी नहीं उठाया। कैसा लगा यहाँ तक आके? सारा सफर सरवाइव किया इतना अच्छा लगा, लेकिन अभी बुरा लग रहा है। एक तो डाल लेता यार, क्या कर रहा है, लाहौर से आया, नाम खराब कर दिया। एक तो डाल, लेकिन नामुमकिन था। बस नजफ, आखिरी दफा सबसे मिलने आपको जाना होगा। टाई हो गया है, इसलिए एक और डेयर करवाया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगला चैलेंज देख के तुम लोग दोनों हार मानोगे और दोनों कैमरे में बोलोगे कि हमें आगे नहीं खेलना। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच लो। टाइटल और पैसे मेरे पास रहने दो। ये काम करो, पैसे ले जाओ, टाइटल मेरे पास रहेगा, विनर कोई नहीं बनेगा। 52,000 रुपए अभी कैश आपके, शो खत्म, अगला चैलेंज नहीं होगा, वरना वो तकलीफें मिलने वाली है। नजर आ रही है वकार भाई, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आगे जो तकलीफें मिलेंगी ना, उसको देखने के बाद वकार जका के शो में आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। सोचने का टाइम दे, जाओ 10 मिनट सोचो, 52,000 लो और घर जाओ। बाप ने कहा था मर के आना यार, मैंने हाथ ही नहीं मोड़ा यार, हाथ फंस गया मेरा। अबे रोता नहीं है, यहाँ तक पहुंचा, रो क्यों रहा है? मैंने उसको काफी समझाया, देखो अगर तुम में हिम्मत है तो करो, अगर नहीं है तो बैक ऑफ कर जाओ और ये टाइटल मुझे दे दो। मैंने बैक आउट नहीं करना था यार, कि मेरे बाप ने कहा था डाई फॉर ऑनर, हाथ ही नहीं रहा के आगे जा सकूं। गलत उठा लिए यार, गलती कर ली मैंने। मुझे इस वक्त इतना अफसोस हुआ कि मेरी हाथ की कंडीशन जो है वो खत्म हो चुकी है और हिम्मत मेरे इसमें स्टिल है और मैं कर सकता हूं, मगर अपने हाथ की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं सकता। उस टाइम मुझे इतना अफसोस हुआ और मेरे खून के आंसू निकल आए उस टाइम। आप दोनों ने डिसाइड कर लिया है, जो भी हार मानना चाहे वो जा सकता है, क्योंकि
अब जो चैलेंज देने वाला हूँ ना, नामुमकिन। कहा बैक आउट करना है आपने? हैदर, मेरे अब्बू ने कहा था कि मर जाना मगर बैक आउट नहीं करना, डाई फॉर ऑनर उनके लफ्ज थे। मेरी हालत ही नहीं रही ऐसी कि मैं आगे जा सकूं, मेरा हाथ ही नहीं मुड़ रहा। क्या कर? रो तो नहीं यार, इधर तक आया तू। खत्म हुई हिम्मत, नहीं खत्म हुई वकार भी, मगर हाथ ही नहीं रहा, फारिग हो गया। पता नहीं मुझे क्या जरूरत थी ओवर एफिशिएंसी दिखाने की। काबिल ही नहीं हूं कि आगे जाऊं।